घुटने टेक दिए, कुछ जी रहे हैं बेमतलब की जिंदगी। साधु बाबा बुलडोजर से सबका घर तोड़ दे रहा है। जो है कि जीवन में ऐसे क्षण आए जब काफी कुछ लगा कि नहीं ये चुनौती थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई। इंसान चाहे तो जी सकता है रब की क्या जिंदगी। बात। दृष्टिहीनों को बहुत ही बर्बर तरीके से घसीट करके गाड़ियों में फेंका गया, मारा पीटा गया। काशी को भारत समेत पूरे विश्व में जहां पर धर्म नगरी या सिटी ऑफ टेंपल के तौर पर जाना जाता है, या फिर यूं कहें कि सुबह बनारस की वजह से काशी की भी अपनी एक अलग पहचान, बनारस की अपनी एक अलग पहचान। मगर हाल के कुछ वर्षों में बनारस को एक और नाम ने बहुत पहचान दिलाई है, और वो नाम है अभय कुमार शर्मा। अभय कुमार शर्मा एक ऐसा व्यक्तित्व के मालिक, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें भगवान ने दृष्टि आंखों से तो नहीं दी, मगर उनका हास्य का, उनका ह्यूमर का ऐसा दृष्टिकोण है जिसकी वजह से उनके मुरीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अखिलेश यादव हैं, देश के तमाम बड़े राजनेताओं के साथ साथ में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए अक्षय कुमार, शाहरुख खान, दूसरे ऐसे तमाम लोग हैं जो आए दिन मौकों पर उनकी तारीफ करते हैं। यहां तक कि कॉमेडी वर्ल्ड से जुड़े हुए कई सारे लोग अभय कुमार शर्मा के मुरीद हैं। और इस वक्त हमारे साथ, हमारा सौभाग्य, आपका सौभाग्य कि इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं अभय कुमार शर्मा से, उनकी कॉमेडी, उनके हास्य को लेकर के और उनके ह्यूमर को लेकर के, और साथ ही साथ में जिस अंदाज में उनका मिमिक्री करने का तरीका है वो आपको यकीन मानिए कि अगले आधे घंटे आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। अभय कुमार शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बातचीत जी कार्यक्रम में, और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी अब पिछले कुछ दिनों से कई सारे दर्शक हमारे ये कह रहे थे कि भाई बनारस में जिस तरीके से अभय कुमार शर्मा का जो जादू शुरू हुआ वो पूरे भारत में इस वक्त चल रहा है, तो किसी दिन लाइए, जरा दर्शन कराएं उनको, हम सुने, हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोग इच्छुक थे, तो आज हम इसीलिए आपके साथ में हैं। अभय जी, दर्शकों के या फिर लोगों के या व्यूवर्स के इस मोहब्बत, इस प्यार को लेकर के अपने अंदाज में क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा यही कहना है हमारे सभी दर्शकों के लिए कि नॉट फॉर स्मोकिंग, नॉट फॉर शोकिंग, आई एम क्रिएटेड ओनली फॉर जोकिंग, और क्रिकेट में रन और लाइफ में फन तो होना ही चाहिए। वाह जी, और इसलिए हम न किसी मुसीबत में फंसना न दूसरों को फंसाना चाहते हैं, बल्कि स्वयं हंसना और दूसरों को हंसाना चाहते हैं। क्या बात है, शानदार लाइन, शानदार लाइन जी। और आपकी यही बातें, आपका यही अंदाज, आपका यही दृष्टिकोण लोगों को सिर्फ हंसाता ही नहीं बल्कि जीवन में, जिंदगी में एक नया रास्ता भी दिखाता है। जब लोग थक हार जाते होंगे, परेशान होते होंगे, तो फिर आपकी बातों को याद करते होंगे, आगे बढ़ने की एक प्रेरणा भी मिलती होगी। और शायद यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर अखिलेश यादव, ये लोग, ये महान हस्तियां, अक्षय कुमार, ये सारे के सारे लोग आपके इतने बड़े मुरीद, इतने बड़े फैन। जी देखिए, ये तो इन ये बड़े लोग इसीलिए हैं क्योंकि इनमें बचपन भी है, तो बड़ा तो भैया इसके साथ ही बड़े दिल वाले हैं और जी। इसलिए बड़े लोग हैं, और इन लोगों ने मुझे भरपूर प्यार दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, तो ये मेरा सौभाग्य है जी। अभय जी, हम बातचीत करते भी रहेंगे और बीच बीच में आपको सुनते भी रहेंगे, तो चूंकि बात हमने शुरू की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और अखिलेश यादव से, आगे वो सारी चीजें भी हम सुनेंगे, कब मुलाकात हुई, कैसे हुआ, क्या चीजें हुई, आपका क्या कहना उनको लेकर के, वो क्या सोचते हैं, आप उन्हें कैसे दर्शाएंगे अपने शब्दों में। अब अखिलेश यादव, आपकी इस पूरी जो आपका ह्यूमर वाला अंदाज है, आपकी जो पूरी कॉमेडी है, अखिलेश हो, डिम्पल हो, या फिर पूरा उत्तर प्रदेश, या फिर पूरा बनारस, या फिर पूरा देश हंस हंस करके लोटपोट होता है, तो जरा शुरुआत कर लेते हैं, किसके नाम से शुरू करें, प्रधानमंत्री की मिमिक्री से या फिर अखिलेश यादव की मिमिक्री से? देखिए, हम लोग आरोही क्रम में शुरू कर सकते हैं, अवरोही क्रम में भी शुरू जी कर सकते हैं, तो चलिए
अखिलेश यादव से ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव आप किसी की भी मिमिक्री करते हैं, ऐसा लगता है कि अगर सामने से विजुअल वीडियो हटा दिया जाए तो ऐसा लगता है कि वही शख्स हूबहू बोल रहे हैं। अखिलेश यादव से कर लेते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जब आपने उन्हीं के मन से उन्हीं की बातें और उसमें डिंपल का भी जिक्र आया जिस तरीके से, अखिलेश तो मानो ऐसा हंस हंस करके कुर्सी पर लोटपोट हो रहे थे, मैं तो वीडियो देख रहा था उनका। जी अखिलेश से शुरू करते हैं। जी तो हाँ हाँ बिल्कुल, तो जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की आपने बात की, तो आजकल जो भी मुद्दे चल रहे हैं उस पर उनका बयान कुछ इसी तरह से है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था जो है वो बिल्कुल चरमरा गई है और जनता परेशान है, ना सांड से राहत मिल पा रही है, ना बाढ़ से राहत मिल पा रही है, और सुरक्षा का आलम ही महिला दरोगा भी सुरक्षित नहीं है, तो जनता क्या सुरक्षित रहेगी बताइए। इंसाफ इंसाफ के फैसले होने चाहिए, अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर और बंदूक को लेकर के फैसला हो रहा है, दिन रात किसी का भी फर्जी इनकाउंटर हो रहा है, क्या इस प्रकार से व्यवस्था चलती है? बहुत शानदार। और जवाब जी अब जाहिर तौर पर अखिलेश ने कोई बात कही तो सीधे ये बात तो जाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुभी, तो योगी महाराज का जवाब क्या उस पर है? इस प्रकार से प्रदेश को सुरक्षित बनाने का कार्य हम सबने मिलकर के किया और प्रदेश के अंदर कहीं भी आप अगर जाएंगे तो आपको सुरक्षा की कार्रवाई मिलेगी। 112 की जो व्यवस्था संचालित है उसमें हमने नाइट स्पॉट को भी इसीलिए जोड़ा कि किसी भी प्रकार से प्रदेश की सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा को खतरा न हो, और कोई भी माफिया कितना भी बड़ा क्यों ना हो हमारी सरकार उसे बख्शेगी नहीं, और किसी को भी माफियाओं का समर्थन नहीं करना चाहिए, और उत्तर प्रदेश को लगातार आगे ले जाने का कार्य ये डबल इंजन के कार्यकाल में हो रहा है और होता रहेगा। क्या बात है, शानदार, बहुत ही शानदार। और इस वक्त हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं आपको, जाहिर तौर पर वो सोच रहे होंगे कि देखिए कहते हैं कमाल अपने अंदर पैदा करना, टैलेंट पैदा करना, कला पैदा करना, और आपसे उनको बहुत सारी प्रेरणा मिल रही होगी। आप जाहिर तौर पर दोनों लोगों से तो आपकी मुलाकात भी हुई होगी, अखिलेश यादव से तो अभी मुलाकात हुई। बिल्कुल, और अभी ये भी विषय है कि केवल मुरली से काम नहीं चलता, इसके लिए सुदर्शन की भी आवश्यकता होती है। जी जी, तो दोनों से मुलाकात होने के बाद आपकी अलग से बातचीत भी हुई होगी, क्या कहा अखिलेश यादव ने आपसे, क्या कहा सीएम योगी ने आपसे बातचीत में? जी देखिए, योगी जी से तो हमारी बस बहुत ही शॉर्ट मुलाकात रही, उन्होंने मेरी प्रशंसा की, और जब प्रधानमंत्री जी से मिले थे तभी मुलाकात हुई थी, और बाकी अखिलेश यादव जी से मेरी मुलाकात जब हुई, प्रशंसा की, पहली मुलाकात मेरी माननीय अखिलेश यादव जी से हुई थी जब श्री हनुमान प्रसाद पोद्दारंध विद्यालय दुर्गाकुंड वाराणसी में, जहाँ से मैंने 12वीं तक की कक्षा उत्तीर्ण की, तो जब उस विद्यालय का आकार छोटा कर दिया गया और हम लोग उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो बनारस में हमारी किसी ने नहीं सुनी और देश में भी किसी ने नहीं सुनी, इवन
सभी को ये पता था, शासन प्रशासन सरकार सभी को, सबने पूंजीपतियों का साथ दिया, तो दृष्टिहीनों को बहुत ही बर्बर तरीके से खसीट करके गाड़ियों में फेंका गया, मारा पीटा गया। हम गए थे अखिलेश जी के पास, उन्हें बुलवाया था और उन्होंने तब कहा था कि आप हिम्मत से काम लीजिए, आप लोग एक न एक दिन आपका स्कूल जरूर अपने वास्तविक स्वरूप में होगा और हम आपके साथ हैं पूरी तरह से। तो उनसे तब मुलाकात हुई थी और इस बार भी मुलाकात कार्यक्रम के दौरान, कार्यक्रम के पश्चात भी हुई। उन्होंने काफी तारीफ की और उन्होंने फिर कहा कि नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना और हम आपके साथ में हैं और जो कुछ भी बेहतर कर सकते हैं और आप काफी क्षमतावान हैं, हमारी और चाचा की तो एकदम उतार दी नकल आपने जी। तो आपकी निगाह में अगर मैं समझूं कि अखिलेश यादव को आप कैसे बताएंगे, वो किस प्रकार के नेता है, उनका महत्व तो क्या है आपकी नजर से? देखिए, मुझे बताने की, मैं तो जिस प्रकार से मिला और उन्होंने मुझे इतना स्नेह दिया तो मैं तो बिल्कुल कह ही रहा हूँ अच्छा है, बहुत बढ़िया है उनका व्यक्तित्व और काफी जनप्रिय लोकप्रिय नेता भी हैं, जो उनके पास कार्यकर्ता बेस है और सपोर्ट बेस है बहुत बड़ा है। और मैं बताने वाला क्या होता हूँ, बताती है जनता और जनता ने इस बार जो है कि उन्हें 37 सीटें दी हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उनको 111-112 सीटें मिली, तो कुल मिला करके मुख्यमंत्री प्रदेश के रहे हैं। तो मैं क्या बताऊंगा, जनता ने आपने अखिलेश यादव के बारे में इतनी बातें कही तो डिंपल जी को तो बुरा नहीं लगेगा कि हमारे बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, और उनकी वाली आपने वो कॉमेडी वाली लाइन भी तो जरा सुनाइए दर्शकों को, आप जब अखिलेश यादव की मिमिक्री कर रहे थे उस बीच में डिंपल यादव का भी नाम आया था। जी, वो चूंकि लोग थे, सब लोग, ज्यादातर लोग सब जानते हैं, उनको भी जानते हैं और डिंपल मैम को भी जानते हैं, तो उस बीच में कार्यकर्ताओं को और जोड़ने के लिए, थोड़ा एक रोमांच पैदा करने के लिए एक हमने इम्प्रोवाइजेशन किया बातचीत के दौरान। बस ऐसे मैंने मिमिक्री उनकी शुरू की, क्या बातें कर रहे हैं, अरे डिंपल जरा वो वाली फाइल देना जिसमें लिखा था। तो बहुत कार्यकर्ताओं की और दर्शकों की इतनी तालियां बजी, सब बड़ा सब लोगों ने जी। आप इंडियाज लाफ्टर चैलेंज में भी गए, वहां पर भी उस प्लेटफॉर्म से भी आपने लोगों का खूब दिल जीता, अक्षय कुमार ने आपसे मुलाकात की, बहुत सारा सराहने की, वो सारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि बनारस बीएचयू यूनिवर्सिटी से निकल करके और फिर देश के पटल पर जाना, उत्तर प्रदेश के पटल पर जाना, लाफ्टर इंडिया, इंडियाज लाफ्टर चैलेंज के उस प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुंचना देश विदेश में, कैसा तजुर्बा रहा और अक्षय से मुलाकात का तजुर्बा कैसा रहा? बहुत अच्छी यादें मिली वहां से और पहचान भी मिली वहां से, और द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 5 जो कि स्टार प्लस पे आया था, और सबसे अच्छी बात थी कि पहला एपिसोड जो टेलीकास्ट हुआ था वो दशहरा के दिन टेलीकास्ट हुआ था, विजय दशमी के दिन, तो उस समय पहली बार टीवी पे मुझे लोगों ने पहचाना और अक्षय सर हमसे गले मिले और उन्होंने कहा कि अबे कुमार जी आपने तो सच बताओ मैं कि इतना हंसाया क्या तो मेरे जबड़े में दर्द हो रही है। शानदार और काफी जी, काफी उन्होंने सम्मान दिया, काफी सुना बहुत मन से मेरी प्रस्तुतियों को और बहुत कई बार जो उनका परिचय था शो में अच्छा लगने का, बहुत बेहतरीन लगने का गोल्डन बेल वो उन्होंने बजाया और काफी तारीफ की और मुझे खुद उनसे मिल करके काफी प्रेरणा मिली, काफी कुछ सीखने को मिला जी। आपने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उसके बाद में आपका एक परफॉर्मेंस भी रहा, योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद रहे, अब जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी आपके मुरीद हैं,
अगर देश की प्रधानमंत्री किसी के लिए कोई बात कहें, किसी के मुरीद हों, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात लगती है। क्या बातचीत हुई थी प्रधानमंत्री मोदी से, वो वाली परफॉर्मेंस या उनकी मिमिक्री तो दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, ये अच्छी बात कही आपने कि वाकई में अगर देश के प्रधानमंत्री आपके बारे में कुछ भी कहते हैं बड़ी बात, और बड़ी बात उससे भी बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी बहुत इंटरेक्टिव हैं, और कोई भी मिलता है कोई भी तो सबको सबसे बातें करना, और आप देखते होंगे लगातार, चाहे हमारी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत करके आई हो, हमारे ओलंपियंस रहे हों, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी रहे हों जिन्होंने की रिकॉर्ड प्रदर्शन किया, तो सबको वो मनोबल सबका बढ़ाते हैं और सबसे इंटरेक्ट करते हैं। तो मेरे साथ भी इस तरीके से उन्होंने इंटरेक्ट किया, उन्हें खुद पता था कि मैं नहीं देख सकता हूँ, तो उन्होंने सामने से ही अभिवादन के शब्द कहे, नमस्ते। मैंने कहा आइयो बहनों, न मैं यहाँ आया हूँ ना मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया, काश के बेटा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपके काशी के पावन धरा पर हम दिव्यांग लोगन की ओर से बहुत बहुत स्वागत बा। उन्होंने कहा क्या शोभना, सर अभय कुमार जा क्या करते हो, सर स्टैंड अप कॉमेडी में बिक्री आर्टिस्ट सर अच्छे के प्रचल शो में भी था। उन्होंने अच्छा किस किस की मिमिक्री करते हो, मैंने कहा सर आपकी राजकार सर की, राजा हमारी करो मन की बात का, मैंने जिस प्रकार से वो बोलते हैं वो मिमिक्री की, तो उन्होंने काफ़ी पीठ थपथपाई मेरी, काफ़ी सराहना किया और बहुत ऊर्जा मिली जी। और आपकी राजनाथ सिंह वाले भी मिमिक्री काफ़ी फेमस है, तो राजनाथ सिंह को भी ट्रिब्यूट, राजनाथ सिंह की मिमिक्री भी दर्शकों तक पहुंचाई, इस वक्त बहुत सारे जैसा कि मैं देख पा रहा हूं लोगों के डिमांड भी आ रही है। जी देखिए माननीय रक्षा मंत्री जी बहुत ही, उनकी आवाज उनका अंदाज बहुत ही स्पेशल और बहुत ही बेहतरीन है, और एक कार्यक्रम के दौरान मैंने उन्हें लाइव सुना है तकरीबन 40-50 अच्छा। मिनट की एक घंटे के आसपास की उनकी स्पीच की हुई थी वहां पे, और उनके खुद के जीवन से खुद के व्यक्तिगत अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखा मैंने, और जिस प्रकार से वो 25 साल के उम्र में ही विधायक बने और उस समय तमाम चुनौतियां थी लेकिन सबको लेकर के आगे बढ़ते चले गए और आज देश के रक्षा मंत्री बने हैं, पहले गृह मंत्री भी थे, तो बहुत कुछ सीखने को उनसे मिला। तो उनका जो अंदाज रहता है सदन में काफी आक्रामक रहता है। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार की आतंकवादी घटना हुई को लेकर के मैं सदन को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, और मैं इस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा करना चाहता हूँ। मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी भी प्रकार के आतंकवादी को हमारी सरकार छोड़ेगी नहीं, और हमारे सेना के जवान तोड़ जवाब देकर के और आतंकवादियों को इससे नाबूद करने का काम करेंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मुलाकात हुई कभी आपकी राजनाथ सिंह जी से? नहीं, कोई ऐसे डायरेक्ट मुलाकात नहीं थी, बाकी ठीक है जब उनका अंदाज उनकी चीजें सब हम समझ रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, और एक सभा में हम थे जब हमने सुना उनको, तो कोई बात नहीं, कभी मुलाकात जरूर होगी जी। अब आप बनारस से हैं, बनारस से जिसकी पहचान अब पूरे विश्व में है, और जिस तरीके से लोग बनारस में आते हैं, बनारस के कल्चर को, धर्म नगरी को, सिटी ऑफ टेंपल को, बाबा विश्वनाथ की नगरी को देखने के लिए, आप वहाँ पले बढ़े, वहाँ आपने पढ़ाई की, ये कॉमेडी की शुरुआत कब से की आपने, मतलब शुरुआत से ही आपकी आपका रुझान था, ये क्या किस्सा क्या है? क्योंकि राजीव श्रीवास्तव जो कि आप स्वर्गवासी हैं, उन्होंने आपकी शुरुआत की कॉमेडी की बहुत तारीफ की थी, और शायद आपको कुछ कैश मंच पर ही दिए थे, 51,000 या 51,000 कुछ रुपए, जहां तक मैंने देखा पढ़ा आपके बारे। आप बिल्कुल
आप भी हमारे बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बड़ा सर्च करके आए हैं। और जी तो मेरा जन्म सोनभद्र जिले में हुआ। सोनभद्र जो कि यूपी का जिला है और छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश से जुड़ता है सीधे। और यहाँ से फिर मेरी शिक्षा दीक्षा बनारस में श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार विद्यालय से हुई और फिर मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन BHU से किया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और कॉमेडी की शुरुआत हुई, मैं खुद भी, मेरे परिवार के लोग भी मेरी इस दृष्टि बाधित की होने की समस्या से चिंतित थे। और मैं जब बाकी लोगों से भी मिलता था तो लोग काफी परेशान हो जाया करते थे कि भाई इतना बढ़िया सब कुछ है, लड़का देखने में, बोलने में, सब सुनने में ये एक प्रॉब्लम हो गई कैसे आंखों की, तो भगवान क्या होगा इनका, तो बहुत तरस खाते थे लोग। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं सोचा कि कुछ हमें ही करना होगा जिससे ये खुश रहे, इनके चेहरे पे दुख के जगह खुशी के भाव और इनके शब्दों में हमारे लिए तरस के जगह कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बातें। तो हमने सोचा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है। और फिर मिमिक्री मैंने रेडियो की क्रिकेट कमेंट्री से बहुत सीखी जी, सुनी। तो उस समय मुझे बहुत मिमिक्री के विधा का अंदाजा नहीं था। रेडियो की कमेंट्री आती थी, उसमें तमाम प्रोग्राम्स आते थे, मैंने उसकी मिमिक्री शुरू की। फिर उसके बाद ये लाफ्टर चैलेंज आया और लाफ्टर चैलेंज के छोटे छोटे वीडियोस सर्कुलेट होने लगे। तो राजीव श्रीवास्तव साहब का सर का मैंने सुना, उनकी कॉमेडी, और भी ये राजीव निगम सर की कॉमेडी सुनी और कपिल शर्मा साहब की उनकी, तो और भी सब आर्टिस्ट थे ये सब सुने हमने, सुनील पाल जी जो जिस तरह से करते थे कॉमेडी। तो उससे हमें लगा कि अरे वाह, ये तो बड़ी शानदार चीज़ है, ये हम करके अपने जिंदगी में खूबसूरत मोड़ ला सकते हैं। तो फिर मैंने धीरे धीरे 2013-14 में प्रधानमंत्री जी का बनारस आना शुरू हुआ और काफ़ी सारी रैलियां करने लगे, वो तो टीवी पर सुना। तो धीरे धीरे करते करते ये एक मिमिक्री कला के रूप में विकसित हो गई। और फिर BHU में जब मैं पहुंचा तो इसके लिए मंच मिलने लगे। नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल है एक BHU में, राजा राम मोहन राय हॉस्टल के बगल में, तो वहीं से प्रेशर पार्टी में पहली मेरी शुरुआत हुई। और फिर उसके बाद BHU का यूथ फेस्ट हुआ स्पंदन, वहां पर मैंने 3 साल ये मिमिक्री का टाइटल जीता। फिर यूथ फेस्ट हुआ जोनल नेशनल, वहां पर भी हमने फर्स्ट प्राइज जीते। फिर राजू श्रीवास्तव साहब के सामने BHU में परफॉर्म करने का मौका मिला। मैं बैठ के उन्हें सुन रहा था और ये सोच ही रहा था कि काश उनके सामने बोलने का अवसर मिलता। तब से वाइस चांसलर साहब के सुरक्षाकर्मी ढूंढते हुए आए और मुझे उनके सामने परफॉर्म करने का, मैंने सभी नेताओं की आवाज में उनका धन्यवाद ज्ञापन किया और काफी खुश हुए वो। और उन्होंने अपने प्रसन्नता में वो छोटा सा पुरस्कार, बड़ा मेरे लिए काफी बड़ा था, जो वो अमाउंट में कहते हैं छोटा है, लेकिन उन सबसे बड़ी थी उनकी, जो उन्होंने मेरी तारीफ की, मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा मान बढ़ाया। और मेरे जन्मदिन पर भी 2022 में राजू श्रीवास्तव सर और राजीव निगम सर दोनों रहे, राजू श्रीवास्तव सर ने केक काटा मेरा, 1 घंटे मेरे साथ रहे और काफी कुछ सिखाया बताया। और ये एक अपने आप में बड़ी बात है, उस वक्त एक कॉमेडी के किंग जो किसी दूसरे नए उभरते हुए सितारे को अगर इस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं तो उनके लिए एक बड़ी बात है, आपके लिए एक बड़ी बात और हम सब के लिए भी। मगर मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कहीं, तो उसमें आपने पत्रकार जगत को लेकर के भी, आपने BHU के जो गर्ल्स बॉयज है उनके ऊपर भी कुछ कॉमेडी के अंदाज में कोई चीज़ तैयार की थी, खबरों के अंदाज में, क्या थी वो लाइनें ज़रा सुनाएंगे? अच्छा, क्या BHU के ऊपर जो कविता हमने लिखी थी? जी बात कर, जी BHU के ऊपर एक हमने कविता लिखी थी, वो आपने सुना होगा, सुनील मुगरी साहब की कविता है, मुश्किल है अपना मेल प्रिय करके।
जिस धुन पे वो पढ़ते हैं उसी धुन पे हमने वो पैरोडी पूरा बीएचयू पे बनाया था, इस प्रकार से बनाया था। संभव नहीं अपना प्यार प्रिय नहीं कर सकता इजहार प्रिय, संभव नहीं अपना प्यार प्रिय नहीं कर सकता इजहार, अनुपम सौंदर्य के वर्णन में कम लगता हर विस्तार प्रिय, संभव नहीं अपना प्यार प्रिय नहीं कर सकता इजहार प्रिय, तुम दर्शन भोजन वीटी की मैं हूँ मैत्री जलपान प्रिय, तुम हो मधुबन का मधुर मिलन मैं हरिश्चंद्र शमशान प्रिय, तुम भरी सीट लाइब्रेरी की मैं क्लास का रिक्त स्थान प्रिय, तुम ही एम पी थिएटर हो मैं रुइया का मैदान प्रिय, तुम कैंटीन हो राम मंदिर की जो खुली रहती है रातों में, मैं राजा राम का राजा हूँ उलझा रहता हूँ बातों में, मुझे नयनाचार की चाहत है मैं नैनों से लाचार प्रिय, संभव नहीं अपना प्यार प्रिय। बहुत शानदार जिन शब्दों को जिस तरीके से जिन लड़ियों में आपने पिरोया है, कविता की शक्ल दी है, वो अच्छे से अच्छे कवि भी इसके सराहना किए हुए नहीं रह सकते हैं। आप ये तो आपने एक पोइट्री एक कविता कही, मैं एक और बात आपसे कह रहा था कि आप बीएचयू के पार्क को लेकर के बीएचयू में जिस तरीके से आपने कोई परफॉर्मेंस दी थी जिसमें खबरों के अंदाज में कोई सटार कोई कटाक्ष किया था कपल्स को लेकर के कोई किसी पार्क को लेकर के, आपको याद आ रहा है? अच्छा वो ऐसे छोटा सा था कि बीएचयू के मधुबन पार्क को 6 बजे शाम के बाद भी खोले जाने के मामले पर कई प्रेमी प्रेमिकाओं ने लगाया चक्का जाम, भीड़ को तितर बितर करने के लिए जवानों गैस, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महिला महाविद्यालय के चौराहे पर चंद दिनों पहले एक लड़के और लड़की के बीच हुई भिड़ंत का मामला लंका थाने की पुलिस ने सुलझाया। पुलिस ने लड़की के हवाले से बताया कि लड़के के आंखों में उसके लिए कई दिनों से प्यार की जगह मोतियाबिंद के लक्षण दिखाई दे रहे थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय यानी सेंट्रल ऑफिस पर सरकारी कर्मचारियों का बड़ा धरना, कहा कि अगर हफ्ते में 4 दिन हुए 4 शनिवार तो 3 रविवार भी होने तय। दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए किसान ने कहा एक सावन में किसानों को मोहब्बत की नहीं पानी के बरसात की जरूरत। क्या बात है शानदार बहुत ही शानदार। ये तो इन पंक्तियों और ये था कि उस समय अभिषेक बच्चन आए अच्छा। तो ये था कि बीएचयू में आने के बाद वापस लौटे अभिषेक बच्चन दिखे नाराज, कहा 3 घंटे में रुकने तुम कब जाओगे। बहुत शानदार। और ये आपकी ये लाइनें और खबरों के अंदाज में जिस तरीके से आप तो इस वक्त एक न्यूज एंकर की भूमिका में नजर आए, सदैव न्यूज एंकर और बहुत ही खाटी टाइप के न्यूज एंकर दिखे आपको। तो अभय जी आपने जिस तरीके से एक खाटी पत्रकार और एंकर की तरह से आपने जो खबरें सुनाई है जिस अंदाज में, लोग तो उसके मुरीद हो गए होंगे। लेकिन अभय जी शुरुआत में जैसा कि मैंने कहा था कि दृष्टि गर्चे नहीं लेकिन दृष्टिकोण आपका ऐसा है, आपका मिमिक्री करने का अंदाज, आपका कॉमिक टाइमिंग आपकी है, आपकी जो कॉमेडी है उसके बड़े से बड़े लोग मुरीद और फैन और मद्दाह नजर आते हैं इस वक्त, लेकिन क्या दृष्टि ना होने की वजह से आपको कभी कुछ सहना पड़ा झेलना पड़ा शुरुआत में दोस्तों में बचपन में? जी देखिए चूंकि अभाव तो अभाव है और अच्छी बात भी है, अभाव जब होता है तो व्यक्ति अपने आप को प्रभावशाली बनाने के लिए और भी दिन दुना रात चौगुना मेहनत करता है, कोई बात नहीं, बट जो है सो है। अब इसके लिए सुनना तो बहुत कुछ पड़ा, बिल्कुल बहुत कुछ सुनना पड़ा और लोगों के लिए तमाम चीजें होती है, तो एक कोई ना कोई माइनस पॉइंट चाहिए ही होता है चाहे आप समाज में कितनों भी बड़े क्यों ना बन जाए, अब माइनस नहीं तो प्लस पॉइंट ही बनता है लोग। अच्छा देखिए मुझे मान लीजिए मुझे नहीं दिखाई देता था, मुझे लोग तंज करते होंगे कि भाई तंज करते रहे कि भाई अंधा है। और अंबानी जी सबसे बड़े पूंजीपति हैं तो क्या अंबानी जी पर भी लोग तंज नहीं करते, उन पे भी लोग तंज करते हैं। तो ये संसार को कुछ ना कुछ चाहिए आपको,
कमजोर दिखाने के लिए या छोटा दिखाने के लिए। बाय द वे, आपको चाहिए तो आपको हिम्मत चाहिए, आपको साहस चाहिए। बहुत सारी टिप्पणियां मैंने, आप खुद से जी, खुद से कभी दुखी हुए कि शायद ये कमी रह गई, शायद मैं अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ और भी कर सकता था, उनको कुछ और बड़ी खुशी दिला सकता था, इस कामयाबी तक पहुंचने से पहले कभी आप दुखी हुए कभी? नहीं, दुखी तो बहुत, देखिए सुख तो जीवन के दो ही पहलू हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि तकलीफ होती है और कई बार विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो लगता है कि ये होता तो ये कर सकता था या ऐसा होता। बहुत सारे जो है कि जीवन में ऐसे क्षण आए जब काफी कुछ लगा कि नहीं ये चुनौती थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई या अब क्या किया जाए, लेकिन इन द एंड आपको होना तो पार ही होता है। तो मैंने बस भगवान का नाम लिया और हिम्मत से काम लिया, मेरे परिवार का हर परिस्थिति में साथ मिलता रहा मुझे और समाज पे भी ईश्वर के कृपा से जब मैं चलने के लिए तैयार हुआ तो मुझे सहयोग करने वाले, हाथ पकड़ने वालों को। ये जरूर है कि आपको लोग निग्लेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे, लेकिन इसी समाज में स्वीकार्यता भी है। बिल्कुल, और आप उसकी एक बड़ी मिसाल हैं कि जिस तरीके से आपकी स्वीकारता इस समाज में हुई और देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री से लेकर के फिल्म स्टार से स्पोर्ट्स स्टार, हर जगह आपकी जो सराहना होती है वो एक मिसाल है कि कोई एक कमी दरअसल प्रेरणा देती है कि हम आगे बढ़ें कैसे, और उसकी वजह से जब आदमी उस स्टेज पर पहुँचता है तो चर्चाएँ फिर आपकी तरह होने लगती है जैसे आज आपकी हो रही है इस वक्त। जी मैंने छोटी सी छेलाइन बिल्कुल पोएट्री लिखी थी कि जीना क्या है सिखा चुकी है कब की जिंदगी, जीना क्या है सिखा चुकी है कब की जिंदगी। जी उठने घुटने टेक दिए कुछ जी रहे हैं बेमतलब की जिंदगी, जीना क्या है सिखा चुकी है कब की जिंदगी, उठने ने टेक दिए कुछ जी रहे हैं बेमतलब की जिंदगी, और तालीम दे कर गए जिन्होंने जी अदब की जिंदगी, इंसान चाहे तो जी सकता है रब की जिंदगी। क्या बात है, और ये है कि अच्छी खुद की हर आदत समझिए, खुद की नजरों में नजाकत समझिए, खुशियां तो इतनी मिलेंगी कि बांटते फिरोगे मेरे दोस्त, बस अपनी कमजोरी को। बहुत शानदार बिल्कुल, और ये सारी बातें, ये सारी लाइनें लोगों के लिए एक ऐसे इंस्पायरिंग शब्द के तौर पर हैं, एक ऐसे प्रेरणा देने वाली चीज़ हैं जो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में काम आने वाली हैं। अभी हमने खुशी गम दुख सब चीज़ की बात की, मैं थोड़ा सा और आगे आऊँगा, चूँकि आपकी राजनीतिक समझ जिस अंदाज में है, आपने जैसा अखिलेश यादव के लिए कहा, प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा, योगी आदित्यनाथ के लिए कहा, मिमिक्री से हट करके भी और राजनीति के लिए कहा, अब एक दर्शकों की तरफ से एक बिंदु मुझे इस वक्त आ रहा है कि समझिएगा, आपसे पूछिएगा, आपने कहा दुख होता है तो फिर हौसला कई सारी चीज़ें देती हैं। बहुत सारे लोगों के, चूँकि आप उत्तर प्रदेश में आते हैं, बहुत सारे लोगों के घर बुलडोजर से तोड़ दिए गए, है ना, आरोप सिद्ध हुए बिना या उससे पहले अलग अलग रीजन दे करके, यूपी में बुलडोजर चलने को लेकर के आप कैसे देखते हैं और उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हालांकि मेरा जो विषय है उससे थोड़ा सा विषयांतर है, लेकिन फिर भी चूंकि हम सबसे पहले तो एक सामाजिक प्राणी हैं, नागरिक हैं, तो मुझे लगता है कि बोलना चाहिए। देखिए, बुलडोजर का इस्तेमाल ये है कि भाई ये पता हो जाए कागजी तौर पे ये संपत्ति अवैध है तो वो घर तोड़ दिया है, और वाकई में जो अवैध चीजें हैं जहां पर कब्जा है तो वो चीज ठीक है, और कब्जा करने वाला उस तरह का सामर्थ्यवान है, पर नहीं सामर्थ्यवान है तो आप, कई बार होता है कि व्यक्ति के पास कुछ नहीं है तो चलो कहीं से दो गज मिला तो रहने के लिए छत डाल लिया, तो आप उसको कहीं आवाज दे करके तब उससे बात करके कुल मिला करके, और ऐसे
जब मन किया जहां मन किया भेज दिए, तोड़ दिया, गिरा दिया, ऐसे ये उचित नहीं है। कतई कोई सरकार ये काम करे तो बिना किसी कागजी सबूत के, बिना किसी ठोस वजह के, और बिना बस ये है कि मुझे लगा कि नहीं नहीं फलाना व्यक्ति को का घर गिराना है, चलो भैया बुलडोजर भेज दो जाओ, ये उचित नहीं है कतई। और इससे जनता बहुत परेशान है। हर आप देखिए सरकार घर बनाने के लिए कितने पैसे देती है आवास योजनाओं में, हाईएस्ट है शायद 2,75,000 रुपए, 1.5-2 लाख के आसपास है, और कई आवास योजनाओं में बहुत कम पैसे है। घर बनाने में बहुत पैसा लगता है। आज जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, डीजल पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सस्ता हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ सब तेल कंपनियां मुनाफा खा रही हैं, सरकारी तेल कंपनियां कोई दाम कम नहीं कर रहा है। तो जिस तरह से सीमेंट के दाम, सरिया के दाम, ईंटों के दाम, बाकी सारे घर बनाने के जरूरी सामानों के दाम बढ़े हैं, तो आज एक इंसान को घर बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कुछ अपने शब्दों में इन सब चीजों को लेकर के अपने शब्दों में कुछ कहना चाहेंगे व्यंग के अंदाज में? लालू जी अगर इसमें बोलेंगे, ये ठीक नहीं है, साधु बाबा बुलडोजर से सबका घर तोड़ दे रहा है, तो भाई हम यही बात बोलना चाहते हैं कि अच्छा काम नहीं है भाई। और गरीब कैसे घर बनाने लगे, गरीब पता है आप लोग घर तोड़ रहा है, अरे भाई घर तोड़ देंगे तो फिर हम लोग भी सब घमंड तोड़ देंगे, हमने का मर गई बानी जका बुखार छोड़ा देंगे हम लोग सब लोग मिलकर के, तो घर नहीं तोड़ना चाहिए किसी का। जी BHU से आपने पढ़ाई की, वहां पर आपने अच्छा खासा वक्त भी बिताया होगा, अब क्या कहेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को लेकर के अपने शब्दों में, वहाँ के लोगों को लेकर? बनारस के सुबह बनारस वहाँ के काफ़ी मशहूर है, वहाँ के घाट, वहाँ की चीज़ें, वहाँ का खान पान, वहाँ का कल्चर, सब कुछ वहाँ। जी बनारस के बारे में हम लोग बात नहीं कर पाए, जी आपके शब्दों में बनारस देखिए वास्तव में कहिए तो नज़रों से जितना खूबसूरत है, नज़रिए में उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, और नजर और नजरिया दोनों मिल जाए तो फिर बनारस की खूबसूरती कहते हैं बनारस तेरे रंग हजार, तो बनारस के हजारों रंग आपको दिखाई देंगे, और उसमें चार चांद लगाता ये हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU, ये सर्व विद्या की राजधानी है जिसमें कि तमाम देश विदेश के छात्र पढ़ते हैं। एक बनारस को और पूर्वांचल को वरदान है महामना का, और इस वरदान का लाभ मुझे भी मिला, और बहुत ही अच्छी जगह है BHU, और इसकी सांस्कृतिक जो परंपरा रही, सांस्कृतिक फेस्ट है, और यहाँ जो बच्चों को लेकर के संस्कृति विकसित है बहुत अच्छा है, यहाँ के प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं सब, तो बस ये बना रहे, ये स्वरूप बिगड़े ना, काफी कुछ समय में बिगड़ता हुआ भी दिखा है, जैसे कि यहाँ का वार्षिक युवा महोत्सव स्पंदन जिसकी मैं उपज और कई कलाकार उपज है, वो 3-4 सालों से बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, तो जब ऐसे चीजें समाप्त हो जाएंगी तब तो कोई नया टैलेंट उभर नहीं पाएगा, तो बस ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बाकी एक चार लाइन के माध्यम से तो आपने देखा और सुना बनारस से निकल करके, बनारस से पढ़ करके देश के फलक पर और दुनिया के फलक पर इस वक्त जिस अंदाज में अभय कुमार शर्मा चमक रहे हैं एक चमकते हुए सितारे की तरह, उनमें गुण भी है, ज्ञान भी है, नज़र भी है, नज़रिया भी है, दृष्टि गर्चे ना हो मगर एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके बुनियाद पर वो जो कुछ कहते हैं उसमें ह्यूमर भी है, हंसी भी है, और इसीलिए देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम राजनेता, अखिलेश यादव हों या दूसरे नेता हों या फिर बॉलीवुड स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हस्तियां, हर कोई उनके मुरीद है। आज के अभी के इस सेगमेंट में इतना ही, आप बने रहिए राजनीति के साथ।